आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। दूसरा इतिहास 20 का 15 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। आमेन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया, पर हर गलत बातों को हमारे जीवन से दूर किया प्रभु, दुष्ट के हर एक कामों से हमें बचाया पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे अगापे प्रेम के लिए, तेरी दया करुणा के लिए परमेश्वर, क्योंकि तू महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने परमेश्वर हमें उद्धार दिया प्रभु जी, और पिता हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आप हमारी ढाल है, आप हमारी चट्टान है प्रभु, आप हमारा गढ़ है परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब को तेरी उपस्थिति में रखती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपके जीवित नाम से प्रभु उनके लिए प्रार्थना को प्रार्थना में मांगती हूँ प्रभु, कि आप उन पर अपना अनुग्रह उंडेले प्रभु, आप अपनी दया को उंडेले, आप अपने प्रेम को उंडेले प्रभु जी, आप अपनी शांति और आनंद को उंडेले परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जी, जो अपने प्रभु जी जीवन में प्रभु बहुत गंभीर परिस्थिति में है परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन गंभीर परिस्थितियों में परमेश्वर आप प्रभु जी उनकी सहायता करें प्रभु जी, जबकि शैतान उनके जीवनों में परेशानियों को, गड़बड़ियों को, असफलताओं को, अशांति को परमेश्वर लाता है परमेश्वर पिता। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो दुष्ट के काम प्रभु उनके जीवन से दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु जी क्योंकि युद्ध आपका है परमेश्वर, और प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मत डरो क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है प्रभु यीशु, ये युद्ध आपका है प्रभु, और आप उनके लिए लड़े मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अपनी बीमारियों में जूझे हैं, अपनी बीमारियों में पड़े हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु वो परिस्थिति उनके जीवन में बहुत दुख भरी है परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप उन दुखों में परमेश्वर उनके सहायक हो जाइए प्रभु जी, उनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो प्रभु अपने जीवन में कर्जों में पड़े हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं है प्रभु, पर आपका वचन कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु मेरा है प्रभु जी, आप उनके लिए उस कर्जों को चुकाएं परमेश्वर, क्योंकि जो प्रभु इंसान के लिए असंभव है प्रभु जी वो आपके लिए संभव है परमेश्वर पिता, आप उनके लिए पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर, कोई भी प्रभु एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने विश्वास को दीजिए, आप प्रभु जी वो प्रेम मिलाप को दीजिए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करिए, दुष्ट जो उनके जीवनों में गड़बड़ियां लाता है प्रभु, परेशानियों को लाता है, लड़ाई झगड़ों को लाता है प्रभु, और प्रभु अशांति को लाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु ये युद्ध आपका है प्रभु, हम ये युद्ध को आपके हाथों में सौंप देते हैं, ये परेशानी आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता, कि आप उन लोगों को पिता परमेश्वर छुटकारा दे, आप उन लोगों के लिए लड़े परमेश्वर, क्योंकि ये परिस्थिति से आप निकालने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए प्रभु जो आज प्रभु जी बहुत सारी दुर्घटनाओं में है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में परमेश्वर परेशानी पर परेशानियां आती जा रही हैं मेरे प्रभु, मैं प्रभु जी उन लोगों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ प्रभु, मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि प्रभु उन दुर्घटनाओं से प्रभु उन्हें बचाएं प्रभु, उन परेशानियों से उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, आप उन पर दया कीजिए प्रभु, क्योंकि ये युद्ध आपका है मेरे प्रभु, आप
प्रभु जी उन्हें प्रभु बचाएं, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं, आप उनके गढ़ हैं, आप उनकी ढाल हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु, जिनको परमेश्वर कोई भी सहारा नहीं है प्रभु जी, और प्रभु जिनको देखने वाला कोई भी नहीं है परमेश्वर, उनके जीवन में ये बहुत कठिन परिस्थिति है प्रभु, आप उन बच्चों पर दया करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई और बहन एडिक्शन में है प्रभु, और प्रभु पता नहीं तमाम प्रभु उनके जीवन में एडिक्शंस हैं प्रभु जी, पिता उन सारी एडिक्शन से परमेश्वर आप उन्हें निकालें प्रभु, आप उन्हें बचाएं परमेश्वर, क्योंकि वो एडिक्शन प्रभु जो वो उनके जीवन से नहीं निकल पा रहा है प्रभु, पर पिता आप उनके जीवन से उन सारी गलत बातों को निकाल दीजिए, क्योंकि युद्ध आपका है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो अपने शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, और बहुत सारे उनके काम बनते बनते उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं प्रभु जी, दुष्ट जो उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो युद्ध आपका है प्रभु, आप उनके रिश्तों को बनाएं, आप उनको अच्छा लाइफ पार्टनर दें प्रभु जी, जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर प्रभु, जो अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर रखते हैं परमेश्वर पिता, आपको प्रभु उनका ध्यान है प्रभु जी, आप उन्हें अपनी आप उनको उनकी बीमारियों से, आप उनको उनके कर्जों से, आप उनको उनके गलत बातों से, गलत एडिक्शन से, और परमेश्वर पिता हर एक शैतान की युक्तियों से आप उन्हें बचाएं मेरे प्रभु, जो दुष्ट उन्हें परेशान करता है प्रभु, वो दुष्ट को हम आप प्रभु आप उससे लड़े परमेश्वर, आप उनके योद्धा बने परमेश्वर पिता, आप उनको सहायता और मदद दे प्रभु, सहायता और मदद प्रभु हमें तेरी ओर से मिलती है मेरे यीशु, आपका धन्यवाद, सच में हम घटे और तू बड़े प्रभु, सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु, आपने उन प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन के अनुसार हमारे लिए युद्ध को लड़ते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और हमको उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।